लेकिन ये मूवी काफ़ी अच्छी है, तो लोगों को थोड़ा सा इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि वो जाके मूवी भी देख लें, और प्लस हेयर कट का है तो वो थोड़ा सा और इंस्पायर होंगे कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सही है, सच है कि जो भी ये मूवी देख के आता है अगर वो टिकट शो करता है तो उसको फ्री हेयर कट मिलता है, वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो एक तरीके से नुकसान है कंपनी का। स्पेशली लड़कियों को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, चाहे जो भी हो, लड़के या लड़के जो भी हो, उनको सबको देखना चाहिए, और वो किसी भी धर्म या जाति के हो। फिल्म द केरला स्टोरी जो कि रिलीज़ होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है, और फिल्म लगातार सिनेमाघरों के पर्दों पर भी दौड़ रही है। यही कारण है ये फिल्म अब तक 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर कई तरीके की बातें हुई, कहीं पे विरोध हुआ तो कहीं पे इस फिल्म को बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिला, मगर एक अनोखा समर्थन मिला है एक स्पोर्ट्स सैलून के द्वारा इस फिल्म को। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिस वायरल पोस्टर में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स ये फिल्म देख कर आता है और वो टिकट जो है शो करता है, स्पोर्ट्स सैलून वालों को दिखाता है, तो वो उनको मुफ्त उनकी हेयर कटिंग की सुविधा देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम स्पोर्ट्स सैलून में पहुंचे हैं जो कि लखनऊ में है। हमारे साथ श्वेता हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, बात कर लेते हैं। श्वेता, हम एक ने एक पोस्टर देखा, ये पोस्टर में ये दिखाया गया है कि आपका जो सैलून है स्पोर्ट्स सैलून, ये जो मूवी देख कर आ रहे हैं उनको फ्री हेयर कटिंग की फैसिलिटी दे रहा है, कितना सच्चाई है इसमें? सही है, सच है कि जो भी ये मूवी देख के आता है अगर वो टिकट शो करता है तो उसको फ्री हेयर कट मिलता है, वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। ये जो फैसिलिटी है कहाँ कहाँ पे आप दे रहे हो? ये हम लोग के सारे ब्रांचेज में, यूपी में भी जितने ब्रांचेज हैं, चाहे जो यूपी से बाहर भी हैं, जहाँ भी स्पोर्ट्स सैलून है, मतलब सारे जगह पे ये ब्रांचेज, मतलब लखनऊ के अलावा और जैसे गोरखपुर वगैरह। हाँ सर, गोरखपुर में देवरिया, मऊ, बनारस, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, ये सारे ब्रांचेज पे अवेलेबल है। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो एक तरीके से नुकसान है कंपनी का। लेकिन ये मूवी काफ़ी अच्छी है, तो लोगों को थोड़ा सा इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि वो जाके मूवी भी देख लें, और प्लस हेयर कट का है तो वो थोड़ा सा और इंस्पायर होंगे कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी। बट मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली लड़कियों को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, चाहे जो भी हो, लड़के या लड़के जो भी हो, उनको सबको देखना चाहिए, और वो किसी भी धर्म या जाति के हों, उनको मूवी ज़रूर देखना चाहिए। लोगों को एक अवेयरनेस एक तरीके से आप अवेयर कर रहे हो। यस सर। दूसरी तरीके से एक बात जैसे ये होती कि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि फिल्म है जो डायरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बनाते हैं, वो उनका अपना नफा होता है, फ़ायदा मिलता है, मगर आप एक अपने बिजनेस से हट कर ये कर रहे हो, तो कभी सोचा नहीं कि नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। नुकसान की तो कोई बात नहीं है, सर ने अभी बोला है तो कंपनी ने ये फैसला, कंपनी ने ही ये लिया है। और मैं सुनीत भास्कर, ओनर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सैलून, हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव आप सबके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस फिल्म को देखने वाले हर भाई बहन को हमारी तरफ से एक फ्री हेयरकट सर्विस ऑफर की जा रही है स्पोर्ट्स सैलून की किसी भी ब्रांच में। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये जानना चाह रहे थे कि जो सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इन्होंने साफ बताया कि जो स्पोर्ट्स सैलून है वो लखनऊ के अलावा गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, कई और डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर ये फैसिलिटी दे रहे हैं, और लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं फिल्म देखने के बाद। एक तो फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं, उसके बाद फ्री हेयर कटिंग का भी मजा ले रहे हैं। वीडियो जल्दी, मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।